हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं काजू पनीर। इसके लिए मेरी मदर इन लॉ जो है वो आज सब्ज़ी बना रही है। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो सारे प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च, ये सार और मसाले डाल के सारे उसको थोड़ा सा ये चला लिया था, गरम कर लिया था। उसके बाद उन्होंने उसका पेस्ट बनाया है। इसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने काजू थोड़े भिगो के रखे थे छिलके वाले, वो छिल रहे थे, और ये जो पेस्ट है वो रेडी हो गया। ये पेस्ट जो ग्रेवी है वो रेडी होगी, और उसी में उन्होंने ऑयल डाला है जिसमें उन्होंने सारे जो वेजिटेबल्स हैं उसको चलाया था। ये सारी ग्रेवी डाल दी। आपको यहाँ पे थोड़ा ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट बाद में ये जो ऑयल है वो एकदम कम हो जाएगा और पानी डालेंगे वैसे ही। तो ये सारी ग्रेवी थोड़ी देर के लिए उसको चला लेंगे। ऑलरेडी पका के ग्रेवी बनाई है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर इसमें हमने काजू ऐड कर दिए हैं साथ साथ में, क्योंकि ग्रेवी जो है ऑलरेडी पकी हुई ग्रेवी है काजू, और फिर हम इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे और वो फिर अच्छे से पक जाएगी। तो इस तरह से ये जो तो यहाँ पे काजू सब डालने के बाद इसमें जो थोड़े मसाले हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। इसमें हरी मिर्च डाली है, इसके लिए आपको ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर नहीं डालनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर जो हमने क्यूब्स काट कर रखे हैं, वो पनीर हम इसमें ऐड करके कर देंगे। और फिर हमें इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। फिर वापस उन्होंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। फिर इसमें हम दही ऐड कर देंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी इसमें डाल सकते हो, बट मेरी मदर इन लॉ ने यहाँ पे दही डाल दिया है। और थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और कसूरी मेथी डालने के बाद हम उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे वापस अच्छे से। थोड़ी सी लाल मिर्च ताकि कलर के लिए। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और फेसबुक पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय।